आज है करवा चौथ और रानू का बर्थडे, ये तो नहा धो के आ गए हमारा नहाना बाकी, पहले इनके मेहंदी लगा देते हैं हम। तो आज इनका बर्थडे भी मनाया जाएगा, साथ में मनाया जाएगा क्या? इन्होंने करवा चौथ रखी है, फर्स्ट करवा चौथ रखी है। अब पानी वाली नहीं रखी है कि पानी वाली रखी है? बिना पानी की देख रहे हो। और हमारे देखो, हम कल पार्टी में गए थे तो बिना मेकअप उतारे ही सो गए और ना मुंह धोया है। बुखार आ रही है, बुखार आ रही है। लेजी लेजी। अभी हम मेहंदी बनाएंगे, इनकी पहली करवा चौथ है, मेरी तो छठी है। तो साफ पता चल रहा है कि आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। छोड़ के नहीं जा रही हूँ मैं, नीचे जिम्मेदारी निभाने जा रही हूँ। ये मेरे को छोड़ के जा रही है कि बनाते रहना आपका हाल, जाओ नहीं बना रही। नहीं, ये हमारे घर के वरिष्ठ नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए। मंड गए हाथ हैं? शर्म नहीं? एक घंटे में शकल देखो इनकी, हाथ बनाए के दिखा ना हाथ। हाँ, हाथ बनाए के, एक पे मिकी माउस और एक पे बिल्ला। पागलपन देख रहे हो क्या? खुद के बर्थडे पे खुद की स्टोरी लगानी है मेरे को? हाँ तो इसमें क्या है, इतने साल लगा रहे हो, इनकी रिपोस्ट कर दो, एहसान कर दो उन पे। मेरा बर्थडे मैं नहीं लगूंगी क्या? सब लगाएंगे, मैं भी लगूंगी ना, खुद को भी तो विश करना पड़ता है। बिल्कुल गलत बात है। मैं नाने जा रही हूँ, ना के आ रही हूँ, मेरे को बोल दिया नीचे से कि तुम ना ले जाओ। नहा लिए, अब तैयार हो जाते हैं, फिर मेहंदी लगाते हैं हमारे रवीना जी की। तो ये है मेरा मॉर्निंग लुक, और अब ये मेहंदी वगैरह लगाना बाकी है मेरी, और रानू का भी आज बर्थडे है तो हम सब उसी की तैयारी में हैं। और व्रत है सब घर में लेडीज का, तो ज़्यादा काम कुछ है नहीं, फटाफट से काम से फ्री भी हो गए, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बुखार वगैरह का थोड़ा चल रहा है, तो आज मैं लेट नहाई हूँ इस वजह से। और ये है बर्थडे गर्ल, इन्होंने भी इनका फर्स्ट ब्लॉग बनाया है, उसका भी मैं आपको बता दूंगी, इनकी आईडी वगैरह पूरी बन गई आपके। ये बिजी है इनकी बातें करने में भाभी से, और रिंकू हमारे कानू को तैयार कर रहे हैं और वो भी अभी रेडी होंगे, तो मैं सबका वीडियो आपको दिखाऊंगी। हम चले फोटो शूट करने, मन नहीं लगता है। वापिस से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कितने घंटे? एक घंटे बाद। ये मैंने बना दिया है, ये भी बना रहे हैं। अच्छा, तभी से वो लड़की फेमस हुई थी, ये हमें, ये हमारी कार है, यहाँ पार्टी हो रही है, ब्लॉगिंग कर रही थी वो, समझ रहे हैं। फाइनली अब मेहंदी लग रही है, इनकी लग चुकी, दिखा दिखा ना, देखो ये मैंने बनाई, उसमें बहुत अच्छी बनाई थी, दिखाओ उसमें आधी बाकी अभी उसमें, इसलिए। तो हम मेहंदी लगवा रहे हैं, आज ही करवा चौथ, और आज ही हम सब काम कर रहे हैं, और आज ही का आज हम सब कर भी लेंगे। आज मेरा बर्थडे और करवा चौथ दोनों है, तो हमारे को फिलहाल ये पता नहीं चल रहा हम करवा चौथ मनाए या बर्थडे मनाए, पर हम दोनों मैनेज करेंगे। नहीं, बर्थडे तो मनाएंगे नहीं, बर्थडे कल मनाएंगे, बर्थडे का ब्लॉग कल आएगा। ये हमारा ट्रायंगल जो एक दूसरे के बनाया जा रहा है हाथ।
अब रिंकू के मेहंदी लगते हुए अब मेहंदी लग रही है। उसने काना ने बहुत कुछ गड़बड़ कर दी थी तो अब वो काना और भी गड़बड़ कर दी। काना उधर उधर काना उधर आ रहा है जो देखो हट 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 कर दे हट हट कर दे बेटा बुआ को डरा दे बुआ को डरा बुआ को हमारी मेहंदी वाली धोखा देके बाकी ये मेरा और मैं इनका हाथ धोना रही हूँ। आपके हाथ दिखाओ ना। अरे दिखाओ तो सही पूरा मतलब यूं सही रखो ना। ये तो बाकी है पीछे से देख लो आप। अच्छा चलो बाकी अब हमें नींद शाम के 4 बज गई है और हम सिर्फ मेहंदी में लगे हुए हैं। अभी तो सब तैयारी करना बाकी है। तो बज गए हैं शाम के 6 और हम अभी काम कर ही रहे हैं घर का ही। आज करवा चौथ है तो आज के दिन हमारे यहाँ पे चमले चावल और लापसी बनाते हैं। वो बनती है दलिये की जिसमें गुड़ मिक्स करते हैं और बनाते हैं कड़ी और मैंने साथ में बनाई है पनीर की सब्ज़ी क्योंकि वो मेरी फेवरेट है मतलब शाही पनीर। और अब हमें पूजा वगैरह की तैयारी करनी है तो ऊपर जाके हम करते हैं और खुद को भी तैयार होना है। आटा वाटा लगा के एक बार रख देते हैं और आज अनु का बर्थडे भी है तो क्या सरप्राइज है वो भी देखते हैं है भी कि नहीं है वो भी। इतना सारा बिखेरा जो कि हर रोज रहता है वो आज कुछ मेहमान आएंगे कुछ मेहमान आएंगे इसलिए साफ सफाई की जा रही है फुल जोर शोरों से। कुछ औरतें आएगी ये रानू का कपड़ा तो रानू का सूट जो इनके द्वारा बिछा हुआ था गलती इनकी है। ये देखो ये तो कुछ नहीं है ये तो थोड़ा बहुत कम ये है क्या? ये बहुत ज्यादा होता है रोज का। ये देखो कोमल सर ये शर्म के मारे देख भी नहीं रहे और तो और देख ये पागल कर दिया इस औरत ने मेरे को। ये हमारे रिंकू मैडम काम कर रहे हैं। हाँ प्यासी और मेहंदी रची नहीं मेरे यार। रिंकू मेहंदी दिखाओ तो मेहंदी लगाने के जोग ही नहीं ये देखो ये मेरी देख इधर इधर देखो इधर दिखाओ दिखाओ इधर दिखाओ इधर देखो देखो ये मेरी पेंट नहीं है पर ये देखो बेचारे को ये तो जिंदा लाश है इसका किराया देके भल्ले लेके आए मेरा रूम बड़ा। तो यहाँ से करवा चौथ की पूजन स्टार्ट हो गई थी तो सबसे पहले हम चौथ माता की फ़ोटो लगाते हैं यहाँ पे और उसके बाद में हम पूजा वगैरह स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी पूजा कर रहे हैं और जितनी भी चीज़ें होती है लाइक कंकु लच्छा चावल मेहंदी काजल ये सब लगाते हैं और पूरा प्रॉपरली पूजन करते हैं। सारी लेडीज़ आती है मोहल्ले की और ऐसे करवा चौथ हम मतलब पूजा ऐसे करते हैं पूजा मतलब एक 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 लोग करते जाते हैं। उसके बाद में कहानी सुनी जाती है जिसमें हम 7 कहानियाँ सुनते हैं टोटल सारी चौथ माता की कहानी होती है क्योंकि करवा चौथ से रिलेटेड होता है तो ऑब्वियसली चौथ माता की कहानी सुनते हैं हम सब बैठ के।
हमारे यहाँ थोड़ा अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं करवा चौथ को। सारी लेडीज़ इकट्ठी होती है छत पे, जब चांद भगवान दिख जाते हैं तो सब साथ में जाके उनकी पूजा करती हैं, और उसके बाद में एक लोटा होता है उसके अंदर हाथ डाल के और पोयम होती है वो गाती हैं। तो ये रहा सरप्राइज। ओहो अंकित भैया भी आए क्या? खुश रहो खुश रहो। ये लट्टू पकड़ के खड़ी होती है औरत। अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो। हमारा कानू देख रही है क्या हो रहा है? चलो अब बाबूजी की आरती करो। हाँ अब पास में जाओ और तिलक लगाएं। आप हमारी कमेंट्री को रिकॉर्ड ना करें। तिलक लगाइए। आंख बंद। ये सिर पे हाथ। ये क्या हुई? ये कोई बात होती? पानी पिलाओ दीपू जी। थाली नहीं नहीं थाली दीपू जी को पकड़ो। बिल्कुल चांद में दीपक जी रखो। चांदनी में चलो आंख बंद करके पहले इनके दर्शन करो और आंख बंद करके मुंडी फेरना और करेक्ट दीपक जी का मुंह दिख जाना चाहिए। करवा चौथ मनाने के बाद में मेहनत करते हम सब लोग। ये मेरे पति देव जी का व्रत था पर ये शक्ल ही नहीं दिखा रहे। पता नहीं क्या हो गया है इनके। पता नहीं क्या हो गया है। मेरा गिफ्ट ये जुगनू क्या दे रहे हो? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Ranu। रात के 11:30 बज गए और हमारी हालत ऐसी हो गई है खाना वाना खा के फ्री होके। अब हम जाएंगे आराम से रेस्ट करेंगे। गिफ्ट 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 का हम सुबह बताएंगे क्योंकि अभी तक हमारे को कोई गिफ्ट ही नहीं मिला है। इनकी हालत देखो मेरी हालत देखो हम ऐसे ही हो गए। रानू के पास क्या आया? गिफ्ट में रानू के फोन आया। तो रानू को गिफ्ट में आईफोन मिल चुका है और रानू खुश हो गए हैं। रानू बहुत ज्यादा। कौन सा आईफोन है? मैं गिफ्ट के लिए वेट कर रही हूँ और भरत जी मेरे को क्या दे रहे हैं। हाँ हाँ इतने सारे पैसे। चिल्लर। भरत जी सही बताओ यही है क्या गिफ्ट? गिफ्ट बाद में, अभी ये तुम्हारे सिर्फ इस गिफ्ट को आगे बढ़ाने के लिए ये क्या कहते हैं इनके पैसे जो जेब में खाली कुल्ले पैसे थे ना वो दे दिए मुझे। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है क्या। थक गए 12 बज गई अब यही बर्थडे है यही। तो ऐसी थी हमारी करवा चौथ खत्म हो गई। अब सो रहे हैं हम। गुड नाइट।